आज मैं आपको बताऊंगा कि आप Google Gemini को अपने Android फोन के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप प्ले स्टोर में जाके ऊपर सर्च बार में Google Gemini टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे Google Gemini से रिलेटेड कोई भी APK फाइल नहीं मिलेगी, पर यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपने Android फोन के अंदर Google Gemini को ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ अपने ईमेल आईडी से। ये सब कैसे होगा आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। अब आपको Google Gemini कहां से और कैसे मिलेगा थोड़ी देर में बताऊंगा, पर जैसे ही आप Google Gemini की APK को आप इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहला पेज आपको अपने Android फोन में ये दिखाई देगा। अगर आप यहां पे Not Now के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐप बंद हो जाएगा, आपको फिर से ऑन करना पड़ेगा, इसलिए आपको स्विच के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मोर का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां से आई एग्री के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करा होगा अपने एंड्रॉइड फोन को Google Gemini, उस ईमेल आईडी से ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा। सबसे पहले आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको नीचे से बताना स्टार्ट करूंगा। लास्ट ऑप्शन में क्लिक करके आप चेक करें कि Google Gemini आपका वर्चुअल असिस्टेंट सिलेक्ट हुआ है या फिर Google असिस्टेंट पे ही सिलेक्ट है। वैसे स्विच करने के बाद ये ऑटोमेटिक इसमें सिलेक्ट हो जाएगा, पर फिर भी एक बार आप चेक जरूर करें। उसके बाद आपने अगर अपने कुछ फीचर्स की सेटिंग करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे तो भी आपका काम चलेगा। यहां से आपने इसे बैक करना है। बैक करने के बाद आप लैंग्वेज भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश इंडिया पे सिलेक्ट है। अगर आप हिंदी करना चाहे तो वो भी आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगी, पर शायद आपको इतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। अभी ये बीटा टेस्टिंग में है तो और लैंग्वेज इतने अच्छे तरीके से नहीं लेगा, पर जब आप इसको टाइप करोगे या यहाँ पे आप जब बोलोगे तो ये लैंग्वेज इजीली लेगा। मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ। मैंने इस माइक के ऊपर क्लिक करा, टेक्नो वेदांत कौन है, यहाँ पर आप देखेंगे टेक्नो वेदांत कौन है। मैंने हिंदी में पूछा और इसने उसकी डिटेल्स मुझे बता दी। बाकी यहाँ से आप लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, गूगल में डायरेक्ट जाके अपनी सर्च को देखना चाहे तो देख सकते हैं इसको। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मिलेगी, प्लस यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे बैक करूंगा और जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे रिसेंट के टैब में आपकी सारी सर्चेज शो करेगी। इस एरो के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और जो आप सर्च करेंगे उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप चाहे इसे पिन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। मेरे एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो मे बी शायद इसलिए वर्चुअल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा। अगर आपका फ़ोन लॉक है, आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, तो आपने सिर्फ हे गूगल बोलना है। जैसे ही आप हे गूगल बोलोगे तो आपका गूगल Gemini एक्टिवेट हो जाएगा और आप गूगल Gemini से कुछ भी पूछ सकते हैं। आप अपने एरिया का वेदर पूछ सकते हैं, आप गूगल Gemini को डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं कि मेरा यूट्यूब ओपन करो, गूगल ओपन करो, IPL मैचेस का स्कोर पूछ सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहते हैं गूगल Gemini को वर्चुअल असिस्टेंट की तरह बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप खुद ट्राई करके ज़रूर देखें। आपको यहाँ कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस माइक के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे कमांड दो। मैं आपको एक इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ। माइक के ऊपर मैंने क्लिक करा, जनरेट एन इमेज ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक कार ड्राइविंग थ्रू अ स्नो स्टॉर्म। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड मुझे कोई इमेज जनरेट करके देता है या फिर नहीं। आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। आप देखेंगे गूगल Gemini ने मुझे 4 इमेजेस जनरेट करके दिए है। वैसे आप अपने लोगो पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपको और भी ऑप्शंस मिलेगी, एक बार अगर आप इसे एक्सप्लोर करना चाहे तो ज़रूर करें। अब यहाँ से जो भी आपको इमेज पसंद आ रही है उसको डायरेक्ट आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये इमेज आपके एंड्रॉयड फ़ोन की गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी इमेज डाउनलोड हो गई और मैंने इसे गैलरी में सेव कर लिया। मैं आपको इसकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। इसने 1536x1536 पिक्सल की इमेज जनरेट करी है। अब मैं आपको इसकी एक मैजिक ट्रिक और दिखाता हूँ। अगर आपको इनमें से इमेज कोई अच्छी नहीं लगी तो नीचे जनरेट मोर पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कैमरा का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपनी गैलरी को आप सिलेक्ट करें और जो इमेज अभी इसने जनरेट करी है उसको आप सिलेक्ट करें और अटैच के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप सेम वही कमांड दे सकते हैं आपने जो पहले दी थी। यहाँ से मैंने माइक के ऊपर क्लिक करा, जनरेट एन इमेज ऑफ ए फ्यूचरिस्टिक कार ड्राइविंग थ्रू अ स्नो स्टॉर्म। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपने एक इमेज का इसको डेमो दे दिया कि मुझे इसी से रिलेटेड और इमेजेस निकाल के दे। तो जो अब इमेज जनरेट करके मुझे गूगल Gemini देगा वो और एडवांस देगा, बजाय इसके कि मैं जनरेट के ऊपर पहले क्लिक करता। यहाँ पर आप देखेंगे इससे रिलेटेड इसने मुझे और इमेजेस निकाल के दे दी। ये थोड़ी सी स्मार्ट ट्रिक है गूगल Gemini के अंदर इमेजेस को जनरेट करने की।
बाकी अगर आप यहाँ पे टाइप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो माइक का यूज करके आप अपने गूगल जेमिनी की जर्नी को बहुत इजी बना सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि गूगल जेमिनी की एपीके को आप फ्री में कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा, डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको क्लिक हेयर का एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, 15 सेकंड्स का टाइमर चलेगा, इसके बाद डाउनलोड का बटन आएगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद गूगल जेमिनी आपका जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, उसे आप अनजिप करेंगे तो उसके अंदर आपको गूगल जेमिनी की एपीके फाइल मिलेगी।